अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक भाई अहम खबर, अफसोसनाक खबर जो है वो आपको दे रहे हैं कि पीर सैयद आगा कासिम गिलानी जो है वो इंतकाल कर गए हैं और उनकी नमाज जनाजा जो है वो कल छंग में माई हीर ग्राउंड में अदा की जाएगी। जो उनका इंतकाल है वो फिकत एक कल बंद हो जाने की वजह से हुआ है और उनका जो उनकी नमाज जनाजा जो है वो माई हीर ग्राउंड जो कि छंग का सबसे बड़ा और मारूफ ग्राउंड है वहां पर जो है वो की जाएगी। अगर हम इनके सवाल हयात के बारे में बात करें तो पीर सैयद काजिम आगा का सैयद काजिम गिलानी अल मारूफ पीर पठान जो है जश्न नौरोज का की जानब से जो है वो इनका किया जाता था और हर साल ये इनका होता था जिसको जिस पर शामिल होने के लिए दुनिया भर से जो खास तौर पे कबाइल की बात करें, अगर पठान कम्युनिटी की बात करें तो उनकी बड़ी तादाद जो है वो छंग का रुख करती थी और हर साल जो है वो जश्न नारोज का इनेकाद जो है उनकी जानब से किया जाता था। और अब देखिए अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आ रही है कि पीर पठान जो है वो दुनिया फानी से कूच कर गए हैं और उनकी नमाज जनाजा जो है वो कल 10 बजे छंग में अदा जो है वो की जाएगी। और अभी तदफीन के हवाले से जैसे जैसे चीज़ें हमारे साथ हमारे पास आएंगी और इंशाल्लाह बराह रास्त छंग से लफा ब लफा जो है इसको कवर करेंगे और तमाम कवरेजेस वहाँ से की जाएंगी। और भाई अफसोसनाक उनके चाहने वालों के लिए खबर है क्योंकि बड़ी तादाद में उनके मुरीदैन हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में उनके मुरीदैन हैं और उनके जो मुरीदैन हैं उनकी आमद का जो सिलसिला है वो भी ये अफसोसनाक खबर सामने आने के बाद जो है वो शुरू हो गया है और बड़ी तादाद में उनके जो मुरीदैन हैं वो छंग का रुख कर रहे हैं और उनका आखिरी जो दीदार है वो करने के लिए। और बड़ी अफसोसनाक खबर है कि पीर सैयद आगा कासिम गिलानी मारूफ पीर पठान जो है वो दुनिया के पानी से कुछ कर रहे हैं।